नर्मदा बचाओ नेत्री व आंदोलनकारियों द्वारा पिछले 8 दिनों से डूब प्रभावितों के हक के लिए चुनौती सत्याग्रह में मेघा पाटकर द्वारा अन्य त्याग रखा है व अन्य डूब प्रभावित क्रमिक द्वारा अनशन किया जा रहा है, जिसे तुड़वाने शासन व आला अधिकारियों सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने फोन पे गृह मंत्री ने अनशन स्थल पर जाकर प्रयास किए, लेकिन अनशन तुड़वाने में सफल नहीं हुए। बड़वानी जिले के अंजर तहसील के ग्राम छोटा बरदा में 8 दिनों से डूब प्रभावितों के हक पुनर्वास और अन्य मांगों को लेकर अनशन पर बैठी मेघा पाटकर ने अन्य त्याग रखा है। इस अनशन को तुड़वाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोबाइल पर और अनशन की जगह पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने पहुंचकर प्रयास कर चुके हैं, पर वह असफल रहे हैं। शनिवार को जब एडिशनल एसपी सुनीता रावत और महिला पुलिस बल सत्याग्रह स्थल पर जाने लगी तो डूब प्रभावितों नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जाने से रोक दिया। उन्हें बेरंग लौटना और कहा हमें मेघा दीदी और अन्य अनशनकारियों का हेल्थ चेकअप नहीं करवाना। वहीं एडिशनल एसपी सुनीता रावत और अन्य महिला पुलिस को वापस लौटना पड़ा। जैसे जैसे नर्मदा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। डूब प्रभावितों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने अपने जान की परवाह किए बिना 8 दिन से अनशन जारी रखा है। मेघा पाटकर की हालत देखते प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाया जा सकता है। बड़वानी से अतुल कमावत की रिपोर्ट। आज जैसे मेघा पाटकर जी का 7वां दिन अनशन का है और आज भी मतलब जिस तरीके से कलेक्टर और बाकी लोग आ रहे हैं और आज जिस तरीके से मतलब बड़वानी प्रशासन पुलिस के द्वारा जो आके पूरा उठाने की तैयारी कर रहा है प्रशासन, जिस तरीके से बिल्कुल गैरकानूनी जिस तरीके से 1400 की गेट बंद करके खोलना या बंद करना जो बार बार चल रहा है, मतलब बार बार जैसे 23 गेट कल तक खुले थे और आज 2 गेट खुले, 3 गेट खुले, जिस तरीके से बार बार चल रहा है, पानी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं जो उनके शेड्यूल के अनुसार, तो पहले पुनर्वास तो किया जाए। जिस मध्यप्रदेश सरकार की भूमिका होनी चाहिए, स्पष्ट भूमिका होना चाहिए कि हम ये हमारा होगा तो ही हम वो करेंगे। तो जिस तरीके से जो गुजरात और केंद्र सरकार जो जिस तरीके से उनकी ताकत दिखा रहे हैं, मतलब पानी भरने का प्रयास कर रहे हो, लोगों को 32,000 परिवारों को पुनर्वास करना बाकी है, तो क्या स्थिति होगी? मतलब 192 गाँवों का क्या जल समर्पण लेगी सरकार? आज क्या हुआ था सत्याग्रह में? जैसे लेडीज पुलिस और बाकी सभी एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी और बाकी महिला पुलिस सभी आए थे और उन्होंने दीदी को मतलब चेकअप करने की जो बात कही थी, तो लोगों ने उनको पूरा, महिलाओं ने आगे जाके कहा कि भाई हम ठीक ठाक है, उनको रोका गया कि भाई इस तरीके से आप जबरदस्ती ना उठाइए, बाकी जहाँ करें इस तरीके से पिछली सरकार ने जो किया उसी प्रकार से ना किया जाए। क्या जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरीके से जो आज लग रहा है उनका रवैया देखकर लगता है कि जबरदस्ती कर सकते हैं, उठा सकते हैं। कमलनाथ जी का फोन आया था तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो संभव है सब कुछ करूंगा, आप अनशन छोड़ो और भोपाल आ जाओ चर्चा के लिए। अब भोपाल तो हम 3 बार जा चुके हैं, हर बार नर्मदा मंत्री, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बैठे थे, कभी सबके साथ बातचीत हो चुकी है, पर एक भी मुद्दे का जवाब अभी तक नहीं आया है। राजघाट और जांगरवा और छोटा बड़दा 3 गांवों की जांच हुई। राजघाट जांगरवा की जांच होकर अभी 15 दिन हो गए पर उसका भी निर्णय नहीं आया है। 33 आवेदन दिए थे उसका भी निर्णय नहीं आया है। जो हमने जानकारी मांगी है, कागजात मांगे हैं, वो भी नहीं दिए गए हैं। सभी गांवों का समय पत्रक भी नहीं जाहिर हुआ है और पूरे सभी जिलों के इनका आना चाहिए ना, तो कायम सब लोग 76 गांव ही बोल रहे धार जिले के, बड़वानी की बात ही नहीं है, खरगोन, अलीराजपुर, महाराष्ट्र, गुजरात में भी सैकड़ों सैकड़ों परिवार बाकी कुछ ना कुछ। मेरे साथ अभी 8 घाटी के लोग भी बैठे हैं, 7 दिन हो गए सत्याग्रह शुरू, लेकिन आज जो पानी रात में चढ़ा है मेडिकल चेकअप एनसीए के शेड्यूल के भी उल्लंघन के साथ 134.5 चढ़ा, जबकि 134.18 की लेवल 31 अगस्त की थी। और ये ऐसा मालूम पड़ा है कि मोदी जी जन्मदिन मनाना चाहते हैं इसके साथ, तो किसी के मरण दिवस पर जन्मदिन मनाना शोभा नहीं देता, बहुत ही अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है विकास का और सरकारों का।